बचपन में उछली, माता पिता ने संभाल लिया, जवानी में उछली, डामाडोल हो गया, डामाडोल। और तीसरी बार में कूदना जरूरी है। अधेड़ी आए तब शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब अपने अपने काम धंधे से लग गए, फिर उछकी। बस जब बच्चे काम से लग गए, परिवार सही हो गया, धन दौलत तुमने कमा कर दे दिया, सत्ता ला कर दे दी, सबको सब लायक कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज है कि घोड़ी से उचक जाओ, चलो परमात्मा की ओर। तीसरे नंबर पर जब घोड़ी उचके, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह काम पर लग जाएं, तो उचक कर परमात्मा के पास चले जाना, उचक कर भगवान की शरणागति में चले जाना, शिव के चरणों में जाकर बैठ जाना, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाना। और अगर नहीं बैठे तो घोड़ी रपेटना जानती है, अर्थात अधेड़ी अगर बेकार हो गई, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, बुढ़ापा बेकार हो गया तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। कई लोग हैं अगला जन्म बिगड़ गया लोगों का, कहीं हाथ बेकार, कहीं पांव बेकार, कहीं शरीर बेकार, किसी से जाकर पूछें, गुरुजी बताओ ये हमारे यहाँ बच्चा हुआ ऐसा क्यों हुआ, बेटी हुई ऐसी क्यों हुई, भाई हुआ ऐसा क्यों हुआ, कुटुंब में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा व्यक्ति क्यों पैदा हो गया, उसको शरीर में ऐसी विकलांगता क्यों होता, उससे पूछो, क्योंकि जन्म मिला था, बचपन जवानी अधेड़ी बुढ़ापा मनुष्य का शरीर मिला था साधने के लिए, पर परमात्मा का नहीं हो पाया। आखिरी में ना बचपन में लांगा ना जवानी में लांगा, घोड़ी तो उछली थी, अगर कूद जाता तीसरी बार में भगवान के चरणों में पहुंच जाता तो शायद अगला जन्म संवार लेता, पर अगला जन्म संवार नहीं सका। परमात्मा ने बारंबार मौका दिया, ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ संसार में, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई राजा, कोई सांसारिक मनुष्य, कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, कोई घर में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को मेरा भोलेनाथ एक मौका जरूर देता है, किसी व्यक्ति से उसको एक बार जोड़ देता है कि मैंने तुझे मौका दिया है, इससे जुड़ जाना और जुड़ने के बाद तेरी जिंदगी संवार लेना। इस व्यक्ति से मैंने तुझे जोड़ा है, तेरे विश्वास से तुझे जोड़ा है, भगवान शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा, संसार के हर मनुष्य को, चाहे वो कोई मंत्री हो, संतरी हो, गृहस्थी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का, किसी भी गोत्र का हो, हर व्यक्ति को, चाहे छोरा हो, चाहे छोरी हो, चाहे व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को भगवान एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ने का मौका देता है कि इससे जुड़ जाना, अपनी जिंदगी बना लेना, पर उससे जुड़ने के बाद भी आप अलग होकर अपनी जिंदगी को नरक बना लो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ बेकार है। उससे जुड़ने के बाद भी तुम अगर परमात्मा के नहीं हो पाए तो फिर संसार में किसके हो गए? जन्म लेने वाले मनुष्य को भगवान एक मौका जरूर देता कि अपनी जिंदगी संवार ले। अभी तुझे मौका है, मैंने तुझे कहां से लाकर, किस भूमि से लाकर, किस जगह छोड़ा था, किस जगह से लाकर, किस व्यक्ति के पास छोड़ा था, उस व्यक्ति के पास रहकर तू अपना जीवन बना सकता था, पर तूने अपना जीवन नहीं बनाया। मौका दिया परमात्मा ने, पर हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अहमता हमको जुड़ने लगी, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा विषय हमें जुड़ने नहीं दिया, आसक्तियों में फंस गए। परमात्मा अगर किसी का काम कर देता है तो दुनिया के लोग परमात्मा का गुणगान गाते हैं, बोलो गाए कि नहीं गाए? अरे बोलो तो सही, गाए नहीं? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, मैं सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद है साहब। टीवी पर सुनने वाले तो कथा टीवी पर सुन रहे हैं, तो भी अगर फेसबुक और मोबाइल पर लोग कथा सुन रहे हैं तो 40,000 लोग केवल मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको नमन करता हूं, आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। कल कार्यकर्ता बता रहे थे गुरुदेव, 40,000 लोग तो केवल यूट्यूब पर कथा कर स्वादन श्रवण कर रहे हैं, मैं आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को नमन करता हूं। मैं नवयुवक टीम को, जो अपना समय इस परमात्मा को, मेरे शंभु को दे रहे हैं, उनको नमन करता हूं। आपका विश्वास ऐसे ही जुड़ा रहे, मेरा शंकर आपको उन्नति की ओर लेकर चले जाए, बस यही विश्वास पर मैं आपको नमन करता हूं। यह आपका श्रद्धा, आपका विश्वास है, भरोसा है। एक मौका परमात्मा जरूर देगा आपको, आप हारना मत। आज दिल्ली से एक माताजी आई हुई थी, वो कह रही थी, गुरुजी मैं पिछली बार अपने बेटे को लेकर आई थी, उसका एक एग्जाम नहीं निकल रहा था, और वो उस कहाँ गई, वो बैठी होंगी कहीं ना कहीं, खड़ी होइए जरा, माइक दीजिए जरा। कहाँ से आई हैं दीदी आप, चालू करिए उसको,
कहाँ से आई है? चालू है, चालू दे दो। दिल्ली से आई थी। दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में सादरा। कैसे आना हुआ आपका? मैं उस पर आई थी, शिवरात्रि, श्रावणी शिवरात्रि पे आई थी। उसके एक पेपर नहीं निकल पा रहा था फाइनल का, मैंने वो पूजन करवाया और पशुपतिनाथ का व्रत रखा। आपके बताए हुए सारे उपाय करे मैंने, वो पास हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ बाबा जी, बाबा की कृपा। आज एक दिल्ली से और भाई आए हुए, अभी रस्ते में हमसे कह रहे थे, गुरुदेव मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था। कहाँ है वो? कहाँ बैठे? मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए। कहाँ है कोई दिख रहा है? कहाँ गए? दिल्ली वाले जो आए हुए थे गए होंगे शायद। बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, बड़ी कृपा करी बाबा। शंकर करुणा सागर है, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। आज एक माता जी आई थी, कह रही थी गुरुदेव बेटे की शादी के लिए इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। कहाँ गई वो? कहाँ से? धार से थी, कहाँ से थी? बाद में वो बैठी थी। खड़ी होइए जरा, देव जरा माइक। इतनी खुश थी कि आंख में आंसू भर गए। ऐसी माता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सब जगह से जब हार गए, अंत में शंभु की शरण में गए और बाबा ने अगर हाथ पकड़ा तो इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? जरा विचार करिएगा। कहाँ से आई हैं आप? राऊ से, इंदौर से। इंदौर राऊ से आए हैं। बहुत परेशान हो गए थे गुरुजी, मतलब रिश्ता बनते बनते फिर टूट जाता था। अब बाबा ने कर दिया, तीन चार बार ऐसा हुआ। फिर मैंने ना आपके उपाय करे और पशुपतिनाथ का व्रत करा। जय हो पशुपतिनाथ की। हो गया ना, दूसरे ही सोमवार को रिश्ता पक्का हो गया और अब शादी भी हो गई। जय हो, जय हो भोलेनाथ जी की। जय हो। बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक अहमदाबाद से कोई आए हुए, बड़े सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। अहमदाबाद वाले कहाँ है? खड़े होइए जरा, पहुंचाइए जरा माई। आज खुशी इस बात की है कि आप लोग इतने प्रसन्न होकर आए हो ना कि दिल खुश हो गया। कि आनंद किसको कहते हैं कि यहाँ मालूम पड़ता है। कहाँ से आए आप? हर हर महादेव, अहमदाबाद से आया हूँ गुरुजी। अहमदाबाद में कहाँ से आए? रानी पार्टी हो सरकार जी। आज आपके चेहरे पर बड़ी खुशी थी, किस बात की खुशी थी? खुशी तो सबसे बड़ी है कि पुण्य जन्म दिया है, वापिस जन्म मिल गया। वापिस जन्म, पिछले साल कोरोना में मैं इतना डर गया था कि मेरे जीजाजी और जीजी साथ में आए जी, उनको भी घर पे नहीं आने दिया मैंने। ओहो, किसी को भी घर पे नहीं आने दिया। मेरी एक दुकान थी वो भी बंद कर दी जी, पैसे भी नहीं लिए किसी से मैंने जी। और पिछले साल से सावन के महीने से पैसे खत्म हो गए जी। उसके बाद में मतलब पैसे ऑटोमेटिक आते रहे घर में, किसी के पास से कोई एक रुपया भी नहीं लिया कहीं से। बाबा देता रहा, बाबा ऐसा देता रहा कि घर में अभी भी पैसे रखे। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। बैठिए बिराजिए। शिव कृपा करे, करुणा करे मेरा दयालु, तो उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती। केवल ये तीन ही नहीं, यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं बाबा की कृपा से। आपका विश्वास आपको लेकर आया है, भरोसा लेकर आया। इस धरा पर अगर आप आए हैं तो हमारा तो विश्वास है, जो नहीं भी आए उनसे कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा आप दिल से श्रवण करना। जो नवयुवक बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा बेटा एक बार इस शिव महापुराण की कथा को भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, अपने घर पर बैठकर सुनो, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुनो, पर इस पितृ मोक्ष शिव महापुराण की कथा को एक बार जरूर सुनना। तो काल सर्प दोष, पितृ दोष, आहुत दोष, वासुक दोष, सारे दोष मिट जाएंगे और तेरा जॉब जरूर लगेगा। तो पास होगा, उत्तीर्ण होगा, अग्रण्य बढ़ेगा, चिंता मत करना। तो बाबा पर विश्वास रखकर आगे बढ़, बस शंभू का नाम लेकर। भगवान स्वयं कथा कह रही है कि परमात्मा एक मौका देता है आपको जुड़ने का, अगर आप जुड़ गए तो परमात्मा आपको ले जाकर कहीं अच्छी जगह छोड़ देता है। अच्छी जगह भगवान काम करेगा तो आप यश करोगे। जिसका भगवान नहीं कर्म करेगा तो लोग उसका भी बोलेंगे, हम तो भगवान के मंदिर जाते थे, हमने तो खूब अगरबत्ती लगाई, हमने तो खूब दियाबत्ती लगाई, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। केवल भगवान के साथ नहीं होता, संसार के प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आपके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, आपके यहाँ कोई चाकरी कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा, कोई आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है। 8 साल 10 साल 12 साल उसने आपके हाथ के नीचे काम करा, आपके यहाँ काम करा, आपने उसकी कुछ गलती को देख लिया, उसको निकाल दिया। अब वो व्यक्ति जिसको निकाला है तुमने, वो तुम्हारी बड़ाई करेगा कि बुराई करेगा? बुराई ही करेगा ना कि बड़ाई कर देगा? अरे बोलो तो जम के, बुराई ही करेगा ना, क्योंकि 10 साल तो यहाँ खूब खाया, आपके पास में खूब रहा, 10 साल तो आपके पास में रहकर खूब चकाचक्की जिंदगी थी, और जब आपके पास से, आपकी नौकरी से, आपके दरवाजे से निकाल दिया गया, उसका व्यवहार, उसका व्यवसाय देखकर, उसका स्वरूप देखकर, उसकी गलत काम देखकर, तो वो तुम्हारी बड़ाई नहीं करने वाला, वो तुम्हारी जगह जगह केवल बुराई ही करेगा।
अब उसके बुराई करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है क्या? हाथी जाए बाजार और कुत्ता भोंके हजार, उससे कुछ बिगड़ेगा क्या तुम्हारा? कुछ नहीं, तुम तो हाथी जैसे दुम हिलाकर अलमस्त सूंड हिलाते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चलो। दुनिया आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आप अपनी जिंदगी मस्त जियो। दुकान किस किस की है, हाथ उठाओ जरा, जिन जिन की दुकान है बस रख लो। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो दुकान तुम्हारी भी होगी ना, दुकान में कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। कांटा मतलब तराजू और बाट, कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। अगर कांटा ही कांटा रख लो तो, अरे बोलो जम के काम चले नहीं, और बाटी बाट रख लो तो कहीं माटा फोड़े, अरे बोलो तो सही, कांटा होगा तो बाट भी होगा, बोलो सही है कि गलत है। उसी तरह जिंदगी में कांटे होंगे तो थोड़ा बाट करना, बाट मतलब इंतजार, सुख मिलेगा जरूर, मतलब तोले हुआ कुछ भाग मिलेगा जरूर। कांटा होगा तो बाट रखना पड़ेगा, बाट मतलब इंतजार रखना पड़ेगा। जिंदगी में कांटे तो दुनिया के लोग बोएंगे, बहुत कांटे चुभाएंगे, पांव में चुभाने के लिए आएंगे, पर थोड़ा सा इंतजार करना, इंतजार मतलब बाट जोना, इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, भगवान पर विश्वास रखना, भरोसा रखना और दृढ़ता रखना। तो जैसे कांटे पर बाट रखाता है तो वस्तु तुला जाती है, उसी तरह जिंदगी में कांटे बोने वाले कांटे बोएंगे, पर बाट जो कर चलना, इंतजार कर कर चलना, तो कुछ ना कुछ तुला कर तेरा भी जीवन सार्थक हो सकता। कांटा होगा तो बाट होगा, अकेला बाट किसी काम का नहीं होता और अकेला कांटा किसी काम का नहीं होता। वो किसी काम का नहीं, दुनिया के लोग बहुत कहेंगे खूब कथा सुनती थी, खूब जरा सा दुख आया कि दुनिया के लोग उंगली उठाना चालू कर देंगे, तुम घबराना मत, हां सुनती थी और खजूर वाली चोटी बना के जन ले सुनू मैं तज्जा, क्या कर ले अब दुख आन पड़ा, इतनी तकलीफ आई, क्या कर लिया तेरे बाबा महादेव ने, तो के उसने करा तभी तो इतनी शान से जी रही। और आपसे निवेदन है, पहले भी कथा में कहा दुख कितना भी आए, कितना भी आए, पर चेहरे से स्माइल मत जाने देना, तुम्हारी स्माइल तो ना जाने कितनों को घायल कर जाएगी, ना जाने कितनों को। दुनिया के लोग कहेंगे इतना दुख आने के बाद कर्जे में लदा लूम पड़ी, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री बिकने में पड़ी, सारा मकान बैंक में पड़ा, इसके बाद भी इसके चेहरे पे इतनी स्माइल, सारा रिश्तेदार उनके अटैक आ जाएगा बापड़ी के देख देख के, कि इतनी प्रसन्नता कहां से ली आई, इतना कर्जा बैंक में लोन में पड़ा, ये पड़ा वो पड़ा, बहू सुने नहीं, बेटी ऐसी बेटा वैसा, दुनिया के लोग कितना ही उंगली उठाए, पर शंकर की कथा अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, स्माइल में कमी मत आने देना, प्रसन्नता में कमी मत आने देना, भगवान के भजन में कमी मत आने देना, भगवान की भक्ति में कमी मत आने देना, शंकर के स्मरण में कमी मत आने देना, शंकर के गुणनवाद में कमी मत आने देना, शंकर की कथा में कमी मत आने देना। मेरे चेहरे पर ये चमक, ये दमक, ये फुल बन में महक, सब कुछ भोलेनाथ की दी हुई है, कर्जे में हूं तो क्या हुआ, एक दिन तो उबारेगा। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, उसने दर्द दिया, उसने दुख दिया, उसने तकलीफ दिया, उबारेगा भी वही। क्यों रोऊं मैं, किस लिए रोऊं मैं? गुरुजी मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। ओहो तेरे मन पे तो नहीं करा, कायत करा है, जम के बोलिए, जमीन पर। गुरुजी मुझे बताया ही नहीं, रजिस्ट्री करा ली। कोई बात नहीं, तेरा भाग्य पे तो रजिस्ट्री नहीं कराई, अरे बोलो तो सरी, कराएगा तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरा चित्त सब ले जाके भगवान पर सौंप दे, फिर देखें वो रजिस्ट्री काम आएगी कि ये रजिस्ट्री काम आएगी, फिर देखा जाए वो काम आएगा कि ये काम आएगा। संसार के लोगों से व्यवहार निभाओगे तो एक ना एक दिन धोखा खाओगे, पर मेरे महादेव से व्यवहार निभाओगे तो दुनिया के लोगों के मुख चुप करके ऊपर बढ़ते चले जाओगे। संसार के लोगों से व्यवहार नहीं निभाना, संसार के लोगों में तो ऐसे रहना जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में, हमें परिवार में नातों में रिश्तों में कुटुंब में कबीले में सबके साथ रहो कमल के फूल के जैसे रहो, कमल का फूल के नीचे कितना कीचड़ है पर फूल कितना जोरदार रहनी, उसके देखने देखते से तोड़ने का मन करे, जो तोड़ने जाए वो पहले
कीचड़ में धस जाए, जा पहले धस, कमल के फूल के तोड़ने जाए। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो मेरा स्मरण करता है, मेरे शंकर कहते हैं जो मेरे मंत्र में डूबा रहता है, जो शिव महापुराण में हमेशा डूबा रहता है, रात को भी मन नहीं लग रहा तो मोबाइल में कथा सुनने बैठ गए, दिन में मन नहीं लग रहा तो कथा सुनने बैठ गए, अभी दो चार आठ दिन नहीं आई ना तो लोगों की नींद नहीं आई, शिवर वाला महाराज कब कथा सुनाएगा, राम जी कब कथा आएगी, तो हमारे कार्यकर्ता बोले यहां से ऑफिस में से कि और भी तो आ रही कथा, वो सुन लो, नहीं शिवर वाला कब आएगा, नहीं तो कथा सुनो मना नहीं, पर मन नहीं लगे, खानो नहीं भावे मरने पीनो नहीं भावे रे। कल एक माता जी ने लिख के भेजा है, क्या नाम है, रामेती बाई लिख के भेजी है रतलाम से, गुरु जी को धन्यवाद देना अगर सराद में कथा नहीं आती तो मुझे पूड़ी और खीर भी नहीं भाती, धन्य है रामेती बाई थारे, तुम्हारे जो मैसेज आते हैं ना बड़े गजब गजब आते हैं, बातें छोरा उन पढ़े और पढ़ के जब सुना ही नहीं तो गुरु जी ये देखो, एक तो दादा हमके हमें तो लिखना नहीं आया, नहीं तो हम ऐसे टाइप कर करके भेज दे, अब माला जपे कि टाइप करें यही समझ में नहीं आता, अब तो तुम्हें नहीं तो हम भी भेज देते हैं, हाँ जी रामेती भाई बिल्कुल सही बोली थे तू तो कितने डरा है भजन हो, कहे कहने वाला कहे, पर अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, कौन होता हमारा, शंकर नहीं होता। दो साल से ये कोरोना चल रहा है और दो साल से ये शिव महापुराण ऐसी चल रही है कि कोरोना और पुराण का जंग चल रहा है, शंकर का और कोरोना महामारी का जंग चल रहा है। जैसे वो अहमदाबाद वाले बोले, ऐसे कई लोग आकर बोले कि हमारा विश्वास जीता है, घर के लोगों को तो हॉस्पिटल में आने नहीं दिया पर पत्नी ने कह दिया था चिंता मत करना, मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और महाराज छाती ठोक ठोक के सियोर वाला की विश्वास करो विश्वास, जितना सियोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, सियोर वाले महाराज का क्या भरोसा, हम तो मनुष्य हैं और ना यहां पर किसी को भभूति मिलती है ना कोई बेल मिलती है इस कुबेरेश्वर धाम में, ना अभी भोलेनाथ जी बैठे हैं, यहां तो केवल कंकर और शंकर है, ना यहां बेल ना भभूति ना कोई मंत्र ना कोई तंत्र ना कोई विद्या, बस आओ ने अपने हाथ से पूरी सब्जी बनाओ खाओ ने जाओ, उसके बाद तीन महीने में भोलेनाथ जी फिर बुला ले फिर आ जाओ, बस इसके सिवा यहां तो कहीं है ही नहीं, महाराज ही नहीं मिले तो सियोर वाला महाराज के चक्कर में मत पड़ जा रहे, हम तो फिर कहें पढ़ना उसके चक्कर में पड़ो जिसके चक्कर में पार्वती पड़ी थी, पढ़ना है तो उसके चक्कर में पढ़ो जिसके चक्कर में गणेश जी पड़े थे, पढ़ना है तो उसके चक्कर में पढ़ो जिसके चक्कर में कार्तिकेय पड़े थे, उसके चक्कर में रिद्धि सिद्धि पड़ी, उसके चक्कर में अष्ट सिद्धियां नव निधियां सब पड़ गई और वो देवाधिदेव महादेव के चरणों में जो चले गया वो महादेव का हो गया, तुम किसी के चक्कर में मत पढ़ना, एक रत्ती का मत पढ़ना, कहीं नहीं जाऊं मैं तो बस केवल देवाधिदेव महादेव का भजन करूं। स्वयं भगवान विष्णु से पितृ देवता कहते हैं, आपको कथा में कहा था जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठते हो आस्था चैनल के सामने या मोबाइल पर कथा श्रवण करने बैठते हो, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुन रहे होते हो, उतनी देर जितनी देर आप भगवान की कथा सुन रहे होते हो उतनी देर आपके पूर्वजों के पास आपके पितरों के पास भगवान विष्णु बैठे रहते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा सुनते हैं कि तेरे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं, तेरे बच्चे पुण्य कर्म कर रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं बार बार कर रहे हैं कि इस पुनीत पावन 24,000 श्लोक से शिव महापुराण का जो यज्ञ चल रहा है इसका दर्शन करो कथा श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जितनी देर आप कथा में बैठे उतनी देर आपके पूर्वजों के पास मेरे नारायण बैठे, उनके पास भगवान संगी छूटे साथी छूटे छूटे जग सारा पर एक नहीं छूटे भोलेनाथ जी हमारा, बस संसार का सब छूट जाए पर मेरा भोलानाथ मेरा शंभुनाथ मेरा त्रिकालदर्शी मेरा कैलाशी मेरा अविनाशी नहीं छूटना चाहिए, वो क्यों छूटे,
संसार का व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है, हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, हमारे बच्चे नहीं होंगे तो हमारा हमारे को वो आग कौन देगा। अभी शंकराचार्य जी का, तुम्हें आग लगाने वाले को मैं ढूंढो रे। अभी कोरोना महामारी ने दिखा दिया, औलाद को मौका नहीं मिल पाया, बोलो सही है कि गलत है, ऐसे ही आग लगाया है। तुम्हें आग लगाने वाले को मत ढूंढो कि बच्चे नहीं होंगे तो आग कौन लगाएगा। तुम्हारे भीतर समाहित अज्ञानता में आग लगाने वाले सदगुरु को ढूंढो कि अज्ञानता में आग लगा दे और मुझे ज्ञान की उपज पैदा कर दे जिससे मुझे महादेव मिल जाए। अज्ञानता को जलाने वाला कोई सदगुरु मिलना चाहिए, तुम में आग लगाने वाला नहीं मिलना चाहिए, अज्ञानता में आग लगाने वाला चाहिए। चार बांस, चार कंधे और 40 कंडे, ये तो कोई भी दे देगा, आखिरी समय में इतना ही सामान चाहिए। जिसके नहीं मालूम है लिख लो, जिसके नहीं मालूम लिख लो, क्या क्या, चार बांस, दो तो लंबा बाकी का आधा टुकड़ा करा हुआ ने बिछाने, चार बांस, चार कंधे और 40 कंडे, इससे ज्यादा कहीं नहीं लगे। और इतना चीज पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, छोरा की नहीं सुनेंगे तो कंडा कौन देगा, बहू की नहीं सुनेंगे तो फिर अब ये चार बांस, चार कंधा और 40 कंडा, तो तुम नी भी छोरा चोरी के पूछो तो भी कोई दे देगा। ये कोरोना महामारी में दिखा दिया, नहीं पूछोगे तो भी दे देगा। भगवान तो कहा गीता जी में कि ये मीरा कर्मा नामदेव ध्रुव प्रहलाद संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो एकांत में तप कर करके मर जाते हैं, इनके कौन सी औलाद अंतिम संस्कार करने आती है, इनको कौन चार कंधा देने आता है, इनको कौन 40 कंडे देने आता है, इनको चार बांस देने कौन आता है। भगवान कहते कोई दूसरा, भगवान कहते गीता में मैंने वचन दिया है अर्जुन को, जन्म मैंने दिया, माता के स्तनों में दूध मैंने दिया, तो भोजन करना नहीं जानता था, नौकरी पे नहीं जाता था, पैदा होते से तू कहीं सर्विस करने नहीं चले गया, पेट मैंने भरा, तेरे उधर की पूर्ति मैंने करी, और मरेगा तेरे परिवार वाले तुझे अग्नि नहीं देंगे, कंडे नहीं देंगे, कंधा नहीं देंगे। भगवान कहते हैं तो मैं आऊंगा तुझे गोदी में उठाकर वहां तक लेकर जाऊंगा, काहे चिंता करता है। जबरदस्ती का रोए, जबरदस्ती का आंसू ढलका है, मारा कई होगा, अरे तुम्हारा क्या होगा, तुम तो डायरेक्ट क्यों ना, तेरा क्या होगा रे कालिया, तुम्हारा क्या होगा, तुम तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अब तो यमराज भी सोचे, इन्हें तो 10-12 बार सुन ली रे, ये कह तो घर का भी चक्कर मत काट, जिन्हें पड़ोसन के उठा ला जाए पर इसे छोड़ी आ जाए। अब तो यमराज भी कहे ये दरवाजे मत पहुंच जाना दादा। यमराज बनावे मंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नंदी लेकर। भगवान से प्रार्थना करना कि हमें आग लगाने वाला नहीं ढूंढना है, हमें हमारी अज्ञानता को जलाने वाला ढूंढना है जो हमारे भीतर की अज्ञानता को जला दे। देवऋषि नारद कितना श्रीमन नारायण करते थे, बोलो सही है गलत है, कि मैं तप करने जाऊंगा, शिव महापुराण में लिखा है, तप करने गए, अहंकार बढ़ गया, जिसको देव अधिदेव महादेव नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता, यह अज्ञानता नहीं तो क्या। अब ये सबसे पहले उठ के किसके पास गए, शंकर जी के यहां गए थे कि नहीं गए थे, कथा बताया था, कौन देवऋषि नारद ने कामदेव को जीता, सीधे शंकर जी के पास गए और शिव जी के पास जाकर बोले देव अधिदेव महादेव की जय हो। शंकर भगवान ने पूछा आओ प्रभु कैसे आना हुआ देवऋषि नारद, नारद जी बोले जिसको आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान बोले आप देवऋषि नारद हो, आप तो दुनिया जीत सकते हो, ऋषि क्या नहीं जीत सकता, आप तो दुनिया जीत सकते हो। शंकर भगवान ने रुद्राक्ष की माला उठाई, नारद जी के गले में पहना दी और जाते जाते नारद जी को एक फ्री की एडवाइस दे दी, अकल, फ्री की अकल, फ्री का ज्ञान, क्या दिया, जो तुमने मुझसे कहा यह भगवान विष्णु से, अरे बोलो तो जम के, मत कहना, अच्छा ही कहना, अच्छा ही कहना कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना, मत बोलना तुम भगवान विष्णु के सामने जाके, पर नारद जी माने,
फ्री की चाय बटे तो भीड़ लग जाए रे। बोला सही है कि गलत है? और मैं लिखा रहे फ्री की चाय तो तोड़िया, तुम कई फिर आओ यहाँ होटल पे अंदर फ्री में। बोला सही है कि गलत है? फ्री की कचौड़ी बटे तो, अरे बोलो जम के, भीड़ लग जाए। फ्री का कम्बल बटे तो, ये सो जोरदार कम्बल कही जोरदार, कितना डालिया फ्री में मिल रही है, चली जा। फ्री का कपड़ा बटे तो, पेन के ढीलो पड़े दूसरा मिल जा। फ्री की चाय बटे तो लोग लूट लें, फ्री का कम्बल बटे तो लूट लें, और फ्री की अकल बटे तो कहां जाए। गुरु माता पिता फ्री में ही अकल दे कि नहीं दे? अरे बोलो तो जम के, कि का पैसा ले, गुरु पैसा ले फ्री में अकल दे? गुरु माता और पिता फ्री में ज्ञान देता है, इसके बाद भी लोग नहीं लेते। गुरु समझाता है मत पढ़ झूठ के चक्कर में, मत पढ़ या छोरी के चक्कर में, मत पढ़ या छोरा के चक्कर में, मत पढ़ इस चक्कर में, झूठ और प्रपंच जिंदगी बर्बाद कर देगा तेरा। कितना झूठ बोलेगा, एक के बाद एक झूठ बोलेगा और जीवन नरक कर लेगा तेरा। गुरु जी हमेशा फ्री में ज्ञान दे तो लोगों को अच्छा नहीं लगे, फ्री की चाय अच्छी लगे। पर अकल माता रोज के बेटा दे, गलत संगत में मत पड़ जाए। उसके साथ क्यों रे, वो गलत है, माँ समझाए। बेचारी फ्री की अकल दे तो नहीं समझ में आए। और जब वही अकल में पैसा लगे फिर वकील के यहाँ जाए, साहब पीछा छुड़ा दो महाराज, वो जगदम्बा महाराज रोज का प्राण खाए, पीछा छुड़ा दो। और जब फ्री में माँ कहती थी कि सिर मत चढ़ा, तो मारी घरवाली मारे सिर नहीं चढ़ाऊ। अब वकील की यहाँ पैसा दे रहा 20, 5, 10, 15, साफ पीछा छुड़ा दो। अब अकल का पैसा लग रहा है, बुद्धि का। गुरु माता पिता फ्री में ज्ञान देते हैं, कौन सा तुमसे पैसा ले? अरे गुरु जी बराबर तो जीवन में कोई नहीं हो सकता, सदगुरु बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक कथाकार जब कथा करने बैठता है व्यासपीठ पर, जितने कथाकार कथा करने बैठते हैं ये अपनी तिजोरी का माल लेकर बैठते हैं। उनकी तिजोरी है श्रीमद् भागवत शिव पुराण रामायण, और इस तिजोरी के माल को भरे मंच से लुटाना प्रारंभ करते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, अरे जम के तो बोलो, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। एक कथाकार, एक संत, एक महात्मा, एक जोगी, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक व्यास वक्ता कथा करने बैठता है तो अपनी तिजोरी का माल लुटाने बैठता है कि तुम्हें लुटा रहा हूं ले लो, अभी भी मौका है ले लो। जैसे वो रात के चिल्लाए सीटी बजाए, जागते, अरे बोलो तो जमके, जागते रहो। अब उसको क्या पड़ी आधी रात को चिल्लाने की जागते रहो, उसको सब उसको मालूम है कोई जगे है। उसी तरह गुरु जी भी दिन में चिल्लाते हैं जाग जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, राम कृष्ण शिव कहीं नहीं गया, तुम्हारी तिजोरी का माल कोई लूट के ले जाएगा, जाग जाओ। इस हृदय में राम और कृष्ण और शिव को बिठा लो, नहीं तो कब लूट जाएगी ये तिजोरी। श्वास जाती जा रही है, जा रही है, पूरी तिजोरी लूटती चली, बचा लो अभी भी मौका है। नाम स्मरण कर कर बढ़ोगे जीवन सार्थक होगा। देवऋषि नारद को कितना समझाया भगवान ने, कितना ज्ञान उपदेश दिया। अरे नारद जी आपको कहकर भेज रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, आप ये बात मुझे कहे हो ये भगवान से मत कहना। पर कौन ने माना? देवऋषि नारद सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर कह दिए, सीधे जाकर कह दिए भगवान विष्णु को। पहुंचते ही भगवान विष्णु जान गए कि नारद जी ने, देवऋषि नारद आज निंदा कर रहे, करेगा निंदा करने वाला ने करे। करे करे सो होन दो। अब देवऋषि नारद को लगा कि भगवान विष्णु को इतनी बड़ी बात कही, और इतनी बड़ी बात मैंने देवऋषि नारद मन में सोचे कि मैंने भगवान विष्णु को कही, और भगवान मेरी बात को तो लिए ही नहीं।
निंदा करने वाला व्यक्ति कोई अगर किसी पर उंगली उठाए तो पहले विचार कर लेना कि ये सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है, विचार करिएगा, विचार करिएगा एक बार। कल कथा में कहा था, अच्छाई देखोगे तो ढेर अच्छाई मिलेगी और बुराई देखोगे तो ढेर बुराई मिलेगी। एक बार जब भगवान राम जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम राज्य स्थापित हो गया, तब राम जी महाराज जब शाम के समय पर टहलने के लिए निकले तो अयोध्या के एक विद्वान ने राम जी महाराज को रोक लिया, रुकिए महाराज यहीं पर, आपसे कुछ बात करना। हमें आपसे कुछ पूछना है। राम जी महाराज रुके, विद्वान के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। कोई बहुत अगर विद्वत्ता की बात करे ना तो उसके सामने शून्य बन जाना चाहिए, अपनी ज्ञान की परिभाषा में मत खोलना, अपनी पोटली को अपनी तिजोरी को कहां खोलना है वो भी स्थान बताया गया है। जिसमें भगवान के चरणों के प्रति रुचि नहीं हो उसके सामने कभी भगवान की बात मत करो। जो भगवान को मानता ही नहीं उसके सामने क्या भगवान की बात करना। ज्ञान उसी को दीजिए जो ले रहा है, उसके सामने कभी ज्ञान मत दो जो लेने कोई तैयार नहीं। कितनी अच्छी अच्छी बात रावण और दुर्योधन को समझाते थे, फ्री की एडवाइस देते थे, फ्री का ज्ञान देते थे, कितना समझाते थे, अच्छी अच्छी बात बताते थे, तो इसके समझ में आती थी। अरे बोलो तो सही जना जमके, ये जितना लोग तुम आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, इनको कितना ज्ञान दिया बेचारे के, नाना जी भी बोला रावण का, तो नाना भी बोला रे सुधर जा रहे हो, दस मुंडा का सुधर जा, तेरे को समझाऊं अच्छे से समझा रही हूँ, समझ जा, मैं लंकेश मत कर, अभी भी तेरे को समझा रहे, नाना जी बोला, इतना डोकरा आदमी बूढ़ा आदमी बोला कि समझ जा रहे। अच्छा वो तो वो एक ही धर्म पत्नी भी समझाई बेचारी मंदोदरी भाई, कितना किया, समझ जाओ स्वामी, पर ये फ्री की एडवाइस जिसे समझ में आए। अच्छी बात अगर किसी के क्यों नहीं तो के वो पटना की बोलूं कि काली मिर्ची बोलो, तुम बोलो वो बोल दूं, पटना की लग जाए मिर्ची, लाल मिर्ची लग जाए उसे तुरंत। अच्छी बात अगर कहीं का बोला समझाने की बात तुमने किसी को की और रुके लगी, इतना भी मूर्ख नहीं है हम हो, जितनी अकल तुम दे रहा हो नहीं, जितनी तुम अकल हमको दे रहे हो नहीं, इतनी तुमने पहले की भरी। रावण भी उसके नाना जी से बोला, नाना जी तुम्हारा एक मुंडा मेरा दस, आप बता अकल की में बड़ी। अब नाना जी बेचारा चुप हो गया, खांसने लगा, मैं बेचारा छोरी मारे पानी पिलाई रही, कितने चक्कर भी नहीं पड़ू दादा, अकल उसके दी जाए जिन्हें अकल में हो थोड़ी बहुत, जिसके विवेक में समा जाए। अब ये तो कि हमारा दस मुंडा और तुम्हारा एक मुंडा, अकल तुम एक मुंडा से दोगे, हमारे तो दस मुंडा की अकल, अपन किसी की अच्छी अकल तो नहीं, तो उसे पटना की मिर्ची लगे उसे मिर्ची लग जाए, बताओ हमें ज्ञान दे रहा है, हमें जैसे अकल ही नहीं है समझाने वाला, मम्मी समझाए छोरा के तो छोरा ही कह दे, अपनी अकल अपने पास रखो। तुम मुझे क्या मूर्ख समझती हो, इतना कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इतना लोगों के चला ही रहा हूँ, मम्मी तू मुझे जानती नहीं है, मम्मी बोले यही तो समझा रही कि तू दूसरे के मूर्ख बनाना छोड़ दे, तू तो खुद मूर्ख छोरा, अभी के कौन समझाए, और ये क्या हमारा तो दस मुंडा, हमें नहीं चाहिए किसी की अकल, हम तो खुद विद्वान। और दुर्योधन को कितना समझाया बापड़ा के, बताओ कितना भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए, मान जा रहे देखो हाथ जोड़ो दादा, पांच गांव का राज्य दे दे इनके, क्या कि एक सुई की नोक के बराबर नहीं दो, फिर भगवान ने भी कह दिया ठीक है अब सुई भी ले लेंगे ने नोक भी ले लेंगे, तो यही लग गई मिर्ची कि बताओ भगवान कृष्ण तो पांडवों का साथ दे रहा है, लग जा। सत्य कहो, श्रेष्ठ कहो, दुनिया के लोगों को सही राय दीजिए, सही मार्ग बतलाइए, फिर भले उन्हें पटना की लगे चाहे काली लगे, आपने कोई फर्क नहीं पड़े, तुम तो अपने सत्य पे टिके रहो, तुम्हें कहीं करना।
अब आज की बात ले लो, आज कोई पूछ रहा था, ए गुरुजी, हमने कहा हाँ बोलो, व्यक्ति को गाड़ी किस स्पीड में चलाना चाहिए। मैंने कहा ये और पूछना रह गया था, इतनी सी बात वो भी हमसे पूछ रहा है। नहीं अब हमने पूछा कहाँ से आया था, कि आगरा से। हमने कहा तो आगरा से आके तो इतनी सी बात पूछना है कि कौन सी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। जितने साल का तू उतनी स्पीड में गाड़ी चला, तू 20 साल का है तो स्पीड कितनी रख 20, तू 30 का है तो स्पीड कितनी रख 30, तू 40 का है तो गाड़ी की स्पीड 40, तू 100 का फिर 101 पे चला, कौन मना करे था, ऊपर ही तो जाना है फिर 100 के ऊपर। गलत की, अरे बोलो तो जम के, गलत की। जितने साल के तुम हो, जितनी तुम्हारी उम्र है, गाड़ी की स्पीड उतनी रखना तो एक्सीडेंट नहीं होगा। जहां उम्र से ज्यादा स्पीड गाड़ी की गई तो भेरू गया। तुम 30 के गाड़ी की स्पीड 30 की रख, तुम 40 के गाड़ी की स्पीड 40 रख, तुम 80 के गाड़ी की स्पीड 80 रख, जब तुम 100 के बाद तो तुम कांटा भी टिकाई दोगा तो कोई बात नहीं, फिर कोई फर्क नहीं पड़े। स्पीड देखना है तो उम्र से देखो, ज्यादा तेज गाड़ी भगाओगे 20 की उम्र है और 80 100 पे चलाओगे तो कभी भी ऐसा स्पीड ब्रेकर से उचकोगे ना, कजन कहाँ जाओगा पता ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए जितनी साल का हैप्पी बर्थडे ने टू यू मनाए उतनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा, उससे ज्यादा आगे मत जा, सोच लेना गया कि गया। गया तो गया। अब हम हमसे ज्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं, इस शरीर की कैपेसिटी है 10 की, हम इसको इतना दौड़ा रहे हैं 20 की स्पीड में। आखिरी में गाड़ी तो गाड़ी, शरीर तो शरीर है, शरीर तो शरीर है। आठ बजे से दुकान पे बैठ गया, 9 बजे तक उठ नहीं रहा, बाद में के मारे स्लिप डिस्क हो गया, मारा गुड़िया खसक गया, डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर साहब बोले पट्टा बांध लो। डॉक्टर ने एक बात नहीं बोली कि पट्टा बांध लो, डॉक्टर बोला किसी संत के पास जाता तो एक ही बात कहता, शिव मार पुराण का पट्टा बांध ले, शिव पुराण में जाके बैठना चालू कर दे, अभी दुकान वुकान सब छोरा छोरी के दे दे, डोकरा भीग गया, कई काम का नहीं दादा, अब भगवान का वजन करो, जीवन में मिला है जितनी श्वासें मिली भगवान की भक्ति में लगा, काम करो मना नहीं है, दिल से करो, दुकान चलाना है खूब चलाओ, व्यापार करना है खूब चलाओ, तुम्हारा शरीर चले तब तक चलाओ, पर साथ में शिव नाम गाते जाओ, राम नाम गाते जाओ, भगवान कृष्ण का भजन गाते जाओ, ये जीवन का कोई ठिकाना, कोई ठिकाना कौन सा भरोसा। अब भक्ति में रम जाओ जितना रम सकते। देवऋषि नारद के मन में नहीं रहा, अहंकार था, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया, भगवान विष्णु उनको लग गया कि इसने निंदा करी है, निंदा करने वाला निंदा सुनने वाला महापापी होता है, कोई आपको अगर किसी के लिए निंदा कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि यह मेरे पाप को बढ़ा रहा है, खुद के पाप बढ़ेंगे घटेंगे वो अपनी जगह पर, मुझे पापी बना रहा है, किसी के बारे में बोलकर मुझे सुनने का आदि बना रहा है, मैं क्यों विश्वास करूं, क्यों। भला किसी का कर ना सको तो जम के तो बोलो, बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहे। एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृ पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। मारा बुरा कोला पेड़ा बोलते, क्या बोलते हैं उसको, उस श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता, ब्राह्मण के भोजन। मारा ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी,
का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकौड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। तीन भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये तीन भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी, बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है, क्यों नहीं कराओ, क्यों नहीं करा, क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है, स्वान की रोटी निकालना जरूरी है, कौए की रोटी निकालना जरूरी है। हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौए की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसाद जरूर। देखिए जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, एक रुपए कमा रहे हैं सवा रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान चार दिन अच्छी चल रही है फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते हो यहां, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें एक चावल का दाना डाल दीजिए महाराज। परिंडा जहां होता है मटका हंडा, या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर या गायत्री मंत्र का स्मरण कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में विवेक में समाहित हो उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का, फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर कहां पर होना चाहिए, दक्षिण की, ना पूरब ना पश्चिम ना उत्तर, बत्ती का मुख कहां हो, दक्षिण की। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता, उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो, यहां तक शास्त्र कहता है। महाराज अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम नहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण कर, दक्षिण मुखी हो। तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए, दक्षिण का। और दक्षिण का मुख जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें, जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है ढाका गया है वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे
धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है, या तकलीफ है, या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस आ जाए। महाराज वापिस आ जाए, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए, वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, एक मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिए, रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करें। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं, शिव के ऊपर चढ़ाओ। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हों, सब चढ़ा के पुष्प चढ़ते हों, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं मंजरी, वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बताओ, संपूर्ण सामग्री भगवान केवल एक है, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण सामग्री, यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं, 1,25,000 दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का, सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। पित्र जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है, 16 श्राद्ध पक्ष में 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना, भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है, इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से 1 चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले एक छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त, हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए, बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़ इस वृक्ष के नीचे 1 रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करता है, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बट का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं, इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज, बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा, ये पक्का, बाबा पर विश्वास रखो, शंकर भगवान पर भरोसा, विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे, क्यों ना हो, ये भक्तजनों पर भोले भीड़ पड़ी है भारी।
अब तो सुनकर आ जाओ हे मेरे भोले त्रिपुरारी। भगवान दौड़ कर आ शिव कथा कह रहे। देवऋषि नारद ने निंदा करी, भगवान ने कह दिया इसका बंदर का मुख बनेगा। बंदर का मुख बना, विचार आया गलती हो गई, क्षमा मांगी। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है, अहंकार, किसी किसी को ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है, हम इतने विद्वान हैं, हमारे पास में ये डिग्री है, ज्ञान की अजीर्णता, फिर लोग क्या कहने लगते हैं। देवऋषि नारद ने विचार करा कि मैंने इतना कामदेव को जीत लिया और काम को जीतने के बाद कहां मेरा भाग्य फूटा कि मैंने देव अधिदेव महादेव को जाकर अपना अभिमान प्रस्तुत कर दिया। एक बात लोग कई बार कहते हैं, आपने भी सुनी होगी, धर्म करते, आपको मालूम है क्या, बहुत अच्छे से लोग बात बोलते हैं, बहुत प्रेम से, धर्म करते कर्म फूटे, पर देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम धर्म के पथ पर चलोगे, सतमार्ग पर चलोगे, ईमानदारी के मार्ग पर चलोगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य होगे तो ये पक्का है, कर्म नहीं फूटते। तुम्हारे कर्म में जो कुछ बेकार होगा वो कटेगा, फूटेगा नहीं। धर्म करते कर्म नहीं फूटते, तो लोगों ने कहानी बना दी कर्म फूटे। भगवान धर्म के पथ पर चलोगे तो लोगों के ताने सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा, अरे जम के तो बोलो। इससे पहली वाली कथा और इससे पहले वाली कथा में एक बात कही थी, चोर को खांसी कही थी, संत को दासी और व्यक्ति को आलसी, ये तीनों नरक की ओर ले जाते हैं। बोला था चोरी करने गया व्यक्ति खांस दे गया, और संत के पास अगर कहीं की दासी हो तो वो संत भी। आज का जमाना में तो चेला भी बनाओ तो सोच समझ के बनाओ दादा, बट टीवी में देखा अभी 2-3-4 दिन से देख देख के, दादा काय चेला, गुरु की बदनाम करी रखो, काय 50 बार विचार करना पड़ेगा गुरु को चेला बनाने से पहले। ये सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया, बड़ा करा, शादी होने के बाद वो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो इनके लेके आओ, ने 10-12 साल इनकी परवरिश करो, ने इनके खूब खिलाओ, ने मोबाइल भी दिलाओ, ने एप्पल का दिलाओ, ने ये दिलाओ, ने वो दिलाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और जब ये अपने गुरु का नहीं हुआ तो संसार में किसी का हो सकता है, जम के बोलो जरा, नहीं हो सकता। जब उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से जाएगा। खांसी फिर जम के बोल दो, दासी आलसी, 50 बार त्याग दीजिए, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज के लिए, अपने दिल नहीं हो कहें। कहने वाले राम जी महाराज के सामने विद्वान कहता है, एक विद्वान राम जी से कह रहा है विद्वत्ता में, राम जी ने उसके हाथ जोड़ लिया, बोले क्या कहना चाहते हो। विद्वान कह रहा है कि तुम्हारे पिता मृत्यु सैया पर पड़े हैं, मर गए, तेल के उस कुंड में उनको रखा और तुम उनकी औलाद अंतिम संस्कार करने नहीं आई, और मां वो गिद्ध मर गया, कौन वह जटाई, वो गिद्ध मर गया और उसका अंतिम संस्कार कर रहे, और तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा, तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं देखा। एक विद्वान ने राम जी पर उंगली उठा दी, राम जी की आंख से आंसू बह रहे थे। दुनिया के लोग ताने कसने में पीछे नहीं हटते रहे दादा, पर राम जी जैसी सतर्कता रखना। राम जी से विद्वान कर रहा है कि अपने पिता को तुम अंतिम संस्कार करने नहीं आया, वह गिद्ध का, वो गिद्ध का, वो पक्षी का तुमने अंतिम संस्कार करा। तब मेरे राम जी ने उस विद्वान की बोलती 1 मिनट में बंद कर दी। राम जी बोले देखो मेरा जन्म हुआ है
जिसका कोई नहीं उसका राम है। दशरथ जी के तो चार पुत्र थे, कोई भी आग दे देता, पर वह पक्षी का कौन था? राम ने जन्म दिया था, इसलिए राम उसका अंतिम संस्कार। उस पक्षी का कौन था? जिसका कोई नहीं उसका राम है, जिसका कोई नहीं उसका मेरा भोले नाथ है। काय को टेंशन लेना, विद्वान चुप। अब क्या बोले उसके आगे, क्या बोलेगा? जिसका कोई नहीं उसका राम है, परमात्मा है उसका। अज्ञान का भाव प्रकट, मैंने कहां ये बोल दिया? देवऋषि नारद का अभिमान, देवऋषि नारद की अभिमत्ता कहां मैंने बोल दिया? झूठ का जाल बिछाओगे, अहंकार का जाल बिछाओगे, प्रपंच का जाल बिछाओगे, उस जाल में एक दिन खुद ही फंस जाओगे। कोई दूसरा नहीं फंसेगा, तुम खुद फंसोगे। दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे, खुद उसमें गिर जाओगे। झूठ के जाल में खुद फंस जाओ। आज कहा, नेत्रों से जल बह रहा है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? देवऋषि नारद करें, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं करूं तो करूं क्या? कहा, जिसका अपमान करा है उसी की शरण में चले जाओ। शरण में जाने से कुछ होता है क्या? शरण में जाओगे और माफी मांग लोगे, चरण पकड़ लोगे। बेटा रोते हुए अपने माता पिता के चरण पकड़ ले तो क्या माता पिता माफ नहीं करते? लाखों का डब्बे में लगाया या शेयर मार्केट में लगाया या बाप को कर्जे में लदा लूम कर दिया तो भी बाप बेटे से यही कहेगा, ये तो छोरा मेरा ही? फिर भी कह देगा, कोई बात नहीं, आ मेरे गले लग जा। माता पिता सदगुरु परमात्मा होता ही ऐसा है, वो क्षमा कर देता है, जा। पर हम में फूल कर अहंकार अभिमान, मैं हूं नहीं, मुझ में बहुत ज्ञान है, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं, मुझे नीची है किसी की भी अकल, मैं तो खुद अकलबर हूं। देवऋषि नारद का अभिमान चले गए। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। शंकर भगवान आए, देवऋषि नारद को दर्शन दिया। जब अभिमान ही चले गया तो फिर चिंता क्या? अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, तीनों अहंकार में चले गए। अभिमान गया ना, कोई बात। स्वान को, कौए को श्राद्ध पक्ष में जब भोजन दिया जाता है, भोजन हम प्रदान करते हैं स्वान को, कुत्ते को और कौए को, व्यक्ति के जीवन से दो चीजें इनको भोजन देते समय चली जाती है। पहला व्यक्ति का अहम, क्या चले जाता है? अहम, अहंकार। दूसरा बुद्धि में किसी दूसरे के प्रति अगर गलत विचार आ रहा तो वो विचार समाप्त हो जाता, श्रेष्ठ विचार। पहले हमारे हिंदू धर्म में एक नियम था पक्षियों को दाना देने का, था कि नहीं था? कि पक्षियों को लोग दाना देते, दाना देने का कारण बड़ी प्रसन्नता होती है। जब आप लोग कई पक्षियों को दाना देने जाओगे, ऐसे पटकोगे, पक्षी उड़ के आएंगे, खाएंगे, उड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उड़ेंगे, बड़ी प्रसन्नता होती है। कारण क्या है? पक्षियों को दाने का हमारे हिंदू धर्म में प्रमाण क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण है कि हमारे भीतर जो किसी के प्रति बैर भाव होता है, हमारे भीतर किसी के प्रति कपट भाव होता है, पक्षी को दाना देते समय वो कपट, वो बैर भाव समाप्त हो जाता है। पक्षी को दाना, एक किसी व्यक्ति का फोन आया था कि गुरुदेव ये बताओ, ये जो 24,000 श्लोक से आहुतियां छूट रही हैं, अग्नि में साकल्य दी जा रही है, क्या इससे पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा? गरुण पुराण में कहा गया, जब पितरों को बहुत भोजन मिलने लगा श्राद्ध पक्ष में तो उनको अजीर्ण होने लगा,
वॉमिटिंग करने लगे पितृ और रोने लगे कि हमको इतना भोजन मिल रहा है, हम इतना खा रहे, पच नहीं रहा, क्या करें। सारे पितर दौड़कर ब्रह्मादेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी कृपा करिए, ब्रह्मादेव भगवान विष्णु के पास ले गए पितरों को। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ, तो कि महाराज जी ये पितर रो रहे हैं, क्यों, कि 16 श्राद्ध में इनको खाने को मिलता है, साल भर तो मिलता ही नहीं, एक बार जब जम के मिलता है तो डट के खा लेते हैं, और डट के पितर खा लेते हैं तो वो अजीर्ण हो जाता है, क्या करें। सब लेकर भगवान शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ जी से पूछा प्रभु क्या करें। शंकर जी ने उसी समय पर अग्निदेव को बुलाया, अग्निदेव का जरा इधर आओ। अग्निदेव बोले बोलो प्रभु क्या बात है। शंकर भगवान ने कहा सुनो अग्निदेव, जितनी देर तक 16 दिन श्राद्ध के पितर मृत्यु लोक में रहेंगे, अपने अपने घर में जाकर भोजन करेंगे, तब तक 16 दिन तक अग्नि देवता इन पितरों के साथ रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि श्राद्ध पक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद उस पर घी शक्कर धूप छोड़ो। क्यों, क्योंकि तुम्हारी धूप छोड़ने से, तुम्हारी सांकल्य छोड़ने से, अग्नि में एक ग्रास देने से, अग्नि में एक भाग प्रदान करने से, जरा सी सांकल्य देने से तुम्हारे पितर खुश हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि पितर जब भोजन करते हैं और अग्नि की धूप साथ में दी जाती है तो अजीर्ण नहीं होता, तो पितर आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए अग्नि में सांकल्य दी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे। ये अग्नि देवता की साक्षी में पितर आशीर्वाद देते हैं, पितर आशीर्वाद देते हैं, अग्नि की साक्षी होना चाहिए पितरों के लिए। शादी में किसकी साक्षी होती है, जम के बोलो, अग्नि की। ये तुमने मंडप लगाया ये तो ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो, मोर छटाएगी तो मोर ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो, ये जितना बराती आया एक ना एक दिन ये भी ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो, सब अपने अपने घर पहुंच गया, ये सोफा सेट ने पलंग सब चले जाएगा, नहीं गद्दा रह जाइए, टेंट हाउस का था ये भी चले जाएगा, बोलो सही है कि गलत है। अरे पंडित जी ने पूजन कराई वे भी चला जाएगा, अब सब सब कुछ चले गया, फिर शादी का जो तुम्हारा संबंध हुआ है, हाथ जो पकड़ाया गया है, उसकी साक्षी कौन देगा, तो कि ये जो अग्नि की सात भावर डाली है ये अग्नि साक्षी है। उसी तरह पितृ पक्ष में आप लोग जो अपना नाम गोत्र लिखकर भेजा है और उसकी जो साकल्य डल रही है वो अग्नि उन पितरों की साक्षी है, उसका फल वो जान, उसका मोक्ष का वो जान। कल लगभग 400 से 450 ग्रुप में जितने लोग जुड़े थे उनके नाम की साकल हुई थी, आज फिर 400 450 ग्रुपों को सूचना दी गई कि आपके नाम की आहुतियां चल रही हैं, जो नाम आपने भेजे थे। ब्राह्मण भोज आप लोग दर्शन कर रहे होंगे टीवी पर भी, भंडारा भोज दुनिया भर में तो केवल ब्राह्मण भोज हो रहा है, पर यहाँ इस कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आ रहे हैं सब मुख झूठा कर जा रहे हैं, आपने जो दान दिया है, पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, आपका अन्न भाग कम से कम आप अपनी आंखों से लगता हुआ देख तो रहे हैं, इसकी खुशी तो है आपको कि आप सत जगह पर लगा रहे हैं, उसका सत्कर्म में लग रहा है, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, एक आनंद किंतु। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिव के दरवाजे पर लगा रहे हो, शिव महापुराण में लगा रहे हो, पहले भी कथा में कहा सब दूर किया हुआ मरने से पहले समाप्त हो जाएगा, जो व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो सारा तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है, पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, झूठ बोल लिया, प्रपंच कर लिया, समाप्त तो हो जाएगा, और शंकर के दरवाजे पर करा हुआ, शिव महापुराण में किया गया, कभी समाप्त नहीं होता, जो करा उसका हजार गुना मृत्यु के समय पर प्राप्त हो जाता है, अंतिम क्षण हमें प्राप्त हो जाता है, अंतिम क्षण। सहज नहीं है महाराज शिव महापुराण, ये यजमान कथा करा रहे हैं औरंगाबाद जलगांव से आकर, भगवान की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है, जो ये कथा मंडप में बैठकर कथा का रस स्वादन करा रहे। और आपको भी धन्यवाद देता हूँ जितने टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, या यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है, बाबा ने कृपा करी जो इस पितृ मोक्ष यज्ञ की परिक्रमा करने का आपको फल मिला, कुछ नहीं तो 11, 21, 51, 108 परिक्रमा लगा कर जाना, कहीं पितरों की मुक्ति का, मोक्ष का फल, स्मरण करने का मौका आए हो तो लगा जाओ, ऑनलाइन सुन रहे हो तो घर से ही स्मरण की परिक्रमा लगा लो कि हमने कुबेरेश्वर धाम में जो हमारे पूर्वजों के नाम भेजे हैं उनके स्मरण कर परिक्रमा कर, मोबाइल पर सुन रहे हो मोबाइल पर स्मरण कर कर अपने पितरों की परिक्रमा का स्मरण कर, शिव का वास शंकर का कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, देव ऋषि नारद के हृदय चित्र, अहंकार चला गया, अभिमान गया, और अभिमान गया तब बाबा ने कृपा करी, शंकर जी का दर्शन हुआ, आज्ञा करी क्या चाहते हो, नारद जी कहते हैं बस
भक्ति करता था, श्रीमन नारायण का स्मरण करता था, पर भक्ति के पथ से मैं वंचित हो गया था, भक्ति के पथ से मैं छूट गया था। और भक्ति के पथ से जब मैं छूट गया, भक्ति के पथ से मैं वंचित हो गया, जब व्यक्ति के भीतर अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अभिमत्ता आ जाती है, तब व्यक्ति भक्ति के पथ से हट जाता। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत सारी जगह का भोजन करोगे तो एक जगह में मन लगेगा क्या? अरे बोलो तो सही, अच्छे से तो बोलो, लगेगा एक जगह? नहीं। एक जगह पर अगर मन को लगाना है, अपने मन को एक जगह पर अगर स्थिर करना है, तो भोजन भी जम के बोलिए एक जगह का ही करना चाहिए। और एक बात अन्न के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि प्रयास करना, तीर्थ में जाओ, होटल का भाग कम खाकर कहीं संत साधु सन्यासी कहीं आश्रम आदि में थोड़ा सा भी मिल जाए ना कण का मात्र, तो उसे पा लेना, प्रसाद मिल जाए उसको पा लेना। कहीं किसी आश्रम में जाओ, कभी भगवान के दरवाजे पर जाओ तो थोड़ा सा भाग मांग कर पा लेना। क्यों? उससे ना जाने इस आत्मा को कितनी संतुष्टि होगी, परमात्मा का दर्शन ना जाने कितनी जल्दी हो जाए। दर्शन मात्र प्रसाद भगवान को पा, भक्ति का मार्ग। जिस समय भगवान की भक्ति के पथ पर चलूं, देवऋषि नारद करें मुझसे गलती हो गई, मैं श्रीमन नारायण कहते कहते अहंकार में फूल गया था कि मैंने काम को जीत लिया, भगवान शंकर को नीचे दिखा दिया, भगवान विष्णु के सामने जाकर अपने व्याख्यान वर्णन कर दिया। हो जाता है अभिमान व्यक्ति को कहां ले जाए, जरा सा अभिमान व्यक्ति को जब आ जाता है, मैं अच्छे पद पर हूं, मैं अच्छी जॉब पर हूं, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास पद है, मेरे पास में ये है, व्यक्ति कितने समय तक कुर्सी पर बैठेगा, कितने समय तक पद पर बैठेगा? उस कुर्सी का पद का अभिमान व्यक्ति को ऊपर की ओर उठा देता है, और ना जाने कुर्सी फिर नीचे से कब खसक जाए, कोई भरोसा नहीं पड़ पाता। इस बात का स्मरण करिएगा, कितने दिन कुर्सी पर बैठे हो, एक दिन टेबल पे भी मिलोगे, और टेबल पर तुम नहीं मिलोगे, तुम्हारा फोटो मिलेगा प्लास्टिक के फूल की माला के साथ। अभिमान में ना फूलिए। रावण को समझाया नाना जी ने, दुर्योधन को समझाया भगवान कृष्ण ने, भीष्म पितामह तक दुर्योधन को बार बार समझाते थे, रे दुर्योधन मान जा, फिर भी नहीं मानते थे। यहां तक का एक लाइन बन गई, जैसा खाया अन्न जम के बोलो वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी बन गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुध। शास्त्र कहता है अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही भाग होगा। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा जो भगवान की अविरल भक्ति में जो डूबे रहते हैं, वो 10 जगह का अन्न नहीं खाते हैं। क्यों? 10 जगह का अन्न खाएंगे तो मन भी 10 जगह जाएगा, एक जगह का खाएंगे तो मन एक जगह रह जाएगा, एक जगह। कई कई तो ऐसे पापीडारा जीव है रे संसार में कि आश्रम में रहने के बाद भी आश्रम का भोजन नहीं करे, होटल में चरवा जाए, होटल में खाने जाए। क्यों रे आश्रम में चाय क्यों नहीं पियो? पतली है, इसलिए हमने सोचा कि पास में दुकान लगी हो तो हम थोड़ी देर चले जाएं चौराहे पे, मैं वहां पिया है तो वहां जाड़ी मिली, हाँ यहां पतरी है। भले वो गर्म पानी मिले रे, पर स्थान तो देखो कहां का है। गर्म पानी भी मिले ना, वो भंडारे की सब्जी में नमक नहीं भी हो ना, तो भी देखो तो सरी कि वो कहां का है। रिसेप्शन में शादी में खाना खाने जाओ, खाना बच जाए प्लेट में, तो तुम में से कितने लोग हैं कि बांध के लिया है? अरे बोलो जमके तो बोलो, ने दही बड़ा छूट रिया हो तो नहीं साहब, हम तो पोलेथिन लाए, हम तो खाएं सब बांध के भी ले जाए। लाओगे रिसेप्शन में, पार्टी में, किटी पार्टी में खाने जाओगे, प्लेट में बच गया, बचा कर लाओगे? नहीं। भंडारे में खाने जाओगे, दो पूड़ी बच गई, थोड़ी सी सब्जी बच गई, कमला घरे दे गई है, ले जाओगा कि ले जाओगे? अरे बोलो तो सरी साहब, थोड़ा सा, थोड़ा सा, साथ वो भी खा ली।
पर वो रिसेप्शन से बचा के ले जाओ, नहीं गुलाब जामुन बच गई मैं तो डाल लूँ झोला में, कौन ले जाए? गाजर का हलवा बची गया नहीं अपन तो डाली ला वैसे, तो भाई कोई बचा नहीं, पर भंडारे में कुछ बच गया तो झोले में रख लिया, दो पूरी तो ले जा रही हूँ घर में, थोड़ा सा प्रसाद दे दूंगी ना, आए कहाँ से आई तो लोग पूछेंगे, तो सीओर गई थी ना कुबेरेश्वर धाम में, तो वहाँ खिचड़ी मिली थी तो खिचड़ी धर लई हो माता जी, मिला थोड़ा सा बस। कई लोग यहीं की के यहीं रे आश्रम में रे, यहीं पर आश्रम में रह रहे, और मालूम पड़े एक महाराज उनके बाजू में रह रहे, तो कि हम तो तुम्हारे घर का खाएं पर आश्रम का नहीं खाएं, वहीं वहीं का खाए से तो बुद्धि बेसी हो गई, ले भाटा पड़ी गया बुद्धि पे, जैसा खाया अन्न वैसा। अभी के दुर्योधन के कितना समझाया, अब रावण के नाना जी ने कितना समझाया, नाना जी से क्या हमारा तो 10 मुंडा तुम्हारा तो एक ही, हमें अकल ज्यादा, तो नाना भी बेचारा चुप हो गया, छोरी से कहले पानी लिया हमारा चक्कर एरिया का मुंडा देख देख के, कई बोलो नहीं बोल मुझे कोई मतलब। अब नारद जी का अहंकार चला गया, अहंकार जब जाता है ना तो एकदम शांत कर देता है, एकदम शांत, सत्य बात किसी को कह दो उसके बाद में जो शांति आएगी, एकदम जैसे वो सुतली बम नहीं फूटे और फूटने के बाद एकदम सब बंद चुप, बस ऐसे ही अहंकार जब टूटता है, अभिमान जब टूटता है, एकदम रस्सी का बम ने सुतली बम बंद के फूट गया चुप। पहले जमाने में ऐसी गुचकुंडी भी होती थी, ऐसा नीचे चौकोर होती थी, वो मैं ऐसी एक लोहे की डंडी रहती थी, उसमें मसाला भरी दो और ऐसा दम से फोड़ दो, और गुचकुंडी जैसे ही फूटे नहीं तो मोहल्ला का लोग छोरा कहीं करे छात उचकी जाए, गुचकुंडी पड़ी सब चुन हो गया एकदम चुप। उसी तरह शिव पुराण जैसी चालू हुई ने गुचकुंडी फूटी, अब पाप काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा सब उड़ गया। क्या दिवाली के टाइम कथा है क्या टीवी पे है? है अच्छा, नहीं दिवाली के टाइम अगर शिवपुराण होती तो अपन फटाका शिवपुराण बांच देता, थोड़ी दिया। अभिमान जब समाप्त तो हुआ, आसक्ति लोभ तृष्णा वासना सब गए शून्य, एकदम शून्य। खानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, फिर कुछ अच्छा लगे ही नहीं महाराज, फिर बस चित्त वृत्ति में एक ही समाहित हो वो शिव, दूसरा कोई आया ही नहीं। अहंकार गया, समय बीता, भगवान देव अधिदेव महादेव ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का निर्माण करा अर्धनारीश्वर भगवान को, स्वयं भगवान शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते, स्वयं शिव अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं भगवान शंकर, अर्धनारेश्वर भगवान का दर्शन दे महाराज, अर्धनारेश्वर स्वरूप भगवान, अर्धनारेश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान अर्धनारेश्वर शिव, भगवान शंकर अर्धनारेश्वर स्वरूप में पधार रहे हैं, बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय।